पूरी एक कोशिश हो रही है कि उसको पाकिस्तान के अंदर अभी फिर कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करो और फिर कहें जी अच्छा दोनों को हम इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे देते हैं, यानी मुझे और उसको एक ही जगह पे खड़ा कर दिया। शहबाज गिल से पूछ रहे जी इमरान खान खाता क्या है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे नहीं वो पूछ रहे हैं खाता क्या है कि उनको मेरी डाइट की इतनी फिक्र नहीं है। 4 गवाह 2 महीने के अंदर हार्ट अटैक से मरे हैं, उनको खाने का ही पता था कि वो खाते क्या हैं। मुझे नाअहल करना और नवाज शरीफ को अहल बनाना चाहते हैं ये लोग। पीजीआई तोड़ने और नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं इस सेटअप को तस्लीम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ने खुद बताया था इन लोगों ने कितनी करप्शन की, अब इनको दोबारा कैसे अपने मुल्क पर मुसल्लत होने दिया जाए। शहबाज गिल से पूछा जा रहा है इमरान खान खाता क्या है। शहबाज शरीफ पर करप्शन केसेस के 4 गवाह खाने के जरिए ही हार्ट अटैक से मरे, ये खाने के जरिए ही मुखालिफों को ठिकाने लगाते हैं। इमरान नियाजी की तकरीर धोखे और झूठ के सिवा कुछ नहीं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा इमरान खान खुद को मुकद्दस और कानून से बालातर समझते हैं, वो हकायक को मस करके लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, धोखे के साथ लोगों की नफ्सियात से खेल रहे हैं। इस वक्त उनको शदीद सांस की तकलीफ है, उनके फेफड़ों का मसला भी बड़ा शदीद है। अगर कार्रवाई ही करनी थी तो उनसे सवाल जवाब करते, लेकिन तशद्दुद किसके कहने पे किया गया। इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दिलवाना, इमरान खान के खिलाफ कोई बात करना, इमरान खान खाने में क्या खाता है, इमरान खान ये इमरान खान वो, तो इससे तो यह अंदाजा हुआ कि शहबाज गिल तो एक बहाना है, इमरान खान निशाना है। पिम्स अस्पताल में शहबाज गिल से पीटीआई रहनुमा और वकला की मुलाकात। मुराद सईद कहते हैं शहबाज गिल बहाना है, इमरान खान असल निशाना है। शहबाज गिल से सारे सवाल इमरान खान के हवाले से किए जा रहे हैं। शहबाज गिल को इस वक्त सांस की शदीद तकलीफ है, तशद्दुद के मुतालिक जो सुना था उससे ज्यादा संगीन सूरत हाल है। शहबाज गिल की हालत इंतहाई संगीन, जिस्म पर तशद्दुद के निशाना, देखना होगा तशद्दुद पर शहबाज गिल पर तशद्दुद किसने और किसके कहने पर किया गया। मुल्क आजाद हो चुका, अब की कैद के वक्त का क्या है। वज़ीरे इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। कहा FIA ने उनके कहने पर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत लीगी रहनुमा गिरफ्तार किए, अब FIA को इमरान खान को भी गिरफ्तार करना चाहिए, ताकतवर कानून के नीचे आना चाहिए, तो फिर शहबाज गिल को क्यों जेल से निकलना चाहिए। ताकतवर कानून के नीचे आना चाहिए तो फिर इमरान खान का एहतसाब क्यों नहीं होना चाहिए। बारिशों के बायस इमरान खान का आज कराची में होने वाला जलसा मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के 17 शहरों में जलसों का शेड्यूल जारी है। 21 अगस्त को रावलपिंडी, 24 को हरिपुर में जलसे से खिताब करेंगे, 26 अगस्त कराची, 27 सखर, 28 को पिशावर में पावर शो होगा, 29 अगस्त को जेहलम, 31 अगस्त को अटक, 1 सितंबर को सरगोधा, 2 सितंबर को गुजरात में जलसे होंगे, 3 सितंबर बहावलपुर, 4 फैसलाबाद, 6 मर्दान, 7 को बहावल नगर में जलसा होगा, 8 को मुल्तान, 9 शेखुपुरा, 10 गुजरावाला, 11 सितंबर को कोयटा में जलसा होगा। IMF शराइत पर सरे तस्लीम खम, तमाम अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं लग्जरी आइटम्स की दरामद खोल रहे हैं मगर ड्यूटी इतनी बढ़ाएंगे कि दरामद कम हो। ताजरों पर फिक्स टैक्स खत्म कर दिया, रिटेल टैक्स 42 अरब से कम करके 27 अरब तक ले आए, तंबाकू और सिगरेट पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, लग्जरी और इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर 400 से 600%, बड़ी गाड़ियों की दरामद पर भारी टैक्स लगाएंगे। IMF की शरायत पूरी कर दी, 29 अगस्त को कर्ज की मंजूरी मिल जाएगी। हुकूमत का मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस 2 दिन में ECC से मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक ऑस्ट्रेलिया दो तरफा तालुकात में होने वाली पेशरफ्त को सराहा। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने दो तरफा तालुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया।
अमरीकी सेंटकॉम कमांडर के वफद के हमराज जी एच क्यू अहमद आई एस पी आर के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम कमांडर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वन ऑन वन मुलाकात की। इलाकाई सलामती व इस्तेहकाम दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। सेंटकॉम चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी जंग तजुर्बात और इलाकाई अमन के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। वफूद की सतह पर मुजाकरात में पाक अमरीका तरबियती प्रोग्राम पर भी बात हुई। अमेरिका में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत बढ़ने से आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफा हो गया। अमरीकी मईशत में बेहतरी के अदाद शुमार आने का भी तेल की कीमतों पर असर पड़ा। आलमी मार्केट में तेल की सप्लाई बरकरार है और खपत बढ़ने पर कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आलमी मार्केट में अमरीकी WTI की फी बैरल कीमत में 2.31 डॉलर का इजाफा हो गया। अमरीकी WTI की कीमत 90.42 डॉलर हो गई। बरतानवी ब्रेंट की कीमत 2.85 डॉलर बढ़कर फी बैरल कीमत 96.50 डॉलर हो गई। यूक्रेन ने जौहरी प्लांट के लिए बैन अलावी एटमी तोानाई एजेंसी के मुमकिन मिशन के पैरामीटर से इतफाक़ कर लिया। यूक्रेन के सदर जेलेंसकी की यूएन सेक्रेटरी जनरल और तुर्क सदर से मुलाकात। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस को फौरी तौर पर अपनी अफवाज को वापस बुलाना चाहिए। दूसरी जानब तुर्की के सदर रजब तय उर्दवान ने जपूजिया में फौजी सरगर्मियों के भड़क उठने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम एक और चर्नोवेल नहीं चाहते। पाकिस्तान का चीन की रजामंदी से CPEC अथॉरिटी खत्म करने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। चीनी हुकाम को फैसले के बाकायदा ऐलान से कबल मुतला किया जाएगा। प्लानिंग डिवीजन के मुताबिक अथॉरिटी अपने क्याम के मकासद पूरे नहीं कर सकी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने CPEC की तकरीब से खिताब में कहा कि CPEC मनसूबों को तेजी से मुकम्मल करना हुकूमत का हदफ है। इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाहली की दरख्वास्त पर समाअत इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से तोशाखाना का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इसका फैसला 30 दिन में करेंगे। PTI के वकील बोले इमरान खान रुकने कौमी असम्बली नहीं हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इमरान खान अभी तक रुकने कौमी असम्बली हैं। तकारीर के लिए मीडिया पर जाएँ, यहाँ कानून पर बात करें। और पाकिस्तान ने नेदरलैंड्स के खिलाफ दूसरा वनडे और सीरीज जीत ली। रोटरडैम में मेज़बान टीम नेदरलैंड्स ने पाकिस्तानी टीम को 187 रन का हदफ दिया। बॉस डी लीड और टॉम कूपर के सिवा कोई बल्लेबाज क्रीज पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका। हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज की 3, नसीम शाह की 2 विकटें। कौमी टीम ने हदफ 34वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान की नेस्ट सेंचुरियाँ। हुकूमत IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए तैयार। तंबाकू, ऑटोमोबाइल समेत दीगर शोबों में नया टैक्स लगेगा। हुकूमत मिनी बजट लाने के लिए ऑर्डिनेंस का सहारा लेगी। हुकूमत मिनी बजट लाने को तैयार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट लाया जाएगा। FBR इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी विंग ने मिनी बजट के खदोखाल पर काम मुकम्मल कर लिया। 1000 अरब रुपए से जायद के नए टैक्स लगाने का तखमीना। मिनी बजट के तहत बिजली की कीमतों, पेट्रोलियम के नरखों और FBR टैक्सों पर नजरसानी होगी। छोटे दुकानदारों से टैक्स लेने का तरीकाकार भी बदला जाएगा। मिनी बजट में लग्जरी अशिया पर नई पॉलिसी मुतारिफ कराई जाएगी। बड़ी गाड़ियों की दरामद पर 500%, महंगे मोबाइल फोन पर 100% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। अभी तक दी जाने वाली बिजली पर सब्सिडी की मिकदार में भी रद्दोबदल किया जाएगा। तंबाकू पर टैक्स 10 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 380 रुपए किया जाएगा। सिगरेट पर फी 1000 स्टिक्स का टैक्स 1000 से 2050 रुपए कर दिया जाएगा। जरी मशीनरी पर रियायत दी जाएगी, जबकि स्पेयर पार्ट्स पर मौजूदा ड्यूटी बरकरार रखी जाएगी। मिनी बजट पहले ECC और फिर काबीना की मंजूरी के बाद सदारती ऑर्डिनेंस की सूरत में जारी किया जाएगा।